अस्सलामुअलैकुम, फूड क्लब के किचन में आपको वेलकम है जी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन फजीता स्पैगेटी। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। ये स्पैगेटी के मैंने 2 पैकेट लिए हैं, तो पानी को बॉयल करने रखते हैं, फिर उसमें इसको बॉयल करते हैं। पानी बॉयल होने रख दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले ज़रदा रंग, और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के नमक का, ताकि स्पैगेटी के अंदर जो है वो नमक अच्छे से जो है शामिल हो जाए। पानी जो है वो बॉयल होने के करीब है, इसमें अब मैं डाल देती हूँ स्पैगेटी। ये देखें जी, स्पैगेटी हमारी जो है इसको बॉयल आने लग गया है। तो हम तब तक बनाएंगे जब तक इस ये तकरीबन 90% तक बॉयल ना हो जाए। स्पैगेटी बॉयल हो चुकी है, इसको मैं एक छन्नी में निकालती हूँ और ऑयल लगा के रख दूँगी साइड पे। स्पैगेटी को हमने साइड पे कर दी है, तो अब हम जो है इसको बनाने की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल ली है, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुका है। अब ये मैंने लिया है 200 ग्राम्स चिकन क्यूब्स, बोनलेस चिकन है, इसको डाल लेती हूँ और अब इसको हम फ्राई करते हैं। चिकन को फ्राई करते हुए 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें इसका कलर माशाल्लाह से लाइट पिंक सा हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये फजीता मसाला जो मैंने लिया है 4 टेबलस्पून, ये इसमें डाल देते हैं। ये लिए हैं जी मैंने वेजिटेबल्स, गाजर ली है कद्दूकश करके, ये शिमला मिर्च है मेरे पास, बंद गोभी है। तो सबसे पहले मैं अब गाजरों के इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि गाजरों का कच्चापन दूर हो जाए। गाजरें डालती हूँ और इसको कर लेते हैं मिक्स इसके साथ। गाजरों को मैंने फ्राई कर लिया है, अब डाल देती हूँ इसमें बंद गोभी। शिमला मिर्च मैं सबसे एंड में डालूंगी, ताकि शिमला मिर्च की शक्ल जो है वो वैसे ही ग्रीन ग्रीन नज़र आए हमें। मिक्स कर लेते हैं इसको। बंद गोभी और गाजरें दोनों फ्राई हो चुकी हैं, तो अब मैंने ये लिया जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लिया मैंने 2 टेबलस्पून, इसके अंदर मैं पानी डालती हूँ 1 कप। मिक्स कर लेते हैं इसको। अब हम अपने मसाले में डाल देंगे। देखिएगा हमारी स्पैगेटी जो है वो कितनी जूसी जूसी सी रेडी होगी। मैंने प्याज 1 छोटा लेके उसकी कटिंग की थी, इसको ऐड कर देते हैं और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च। मिक्स कर लेते हैं इसको। इस तरह डालने से ये है कि इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी जी स्पैगेटी। अब हम इसको मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम इसको 2 मिनट के लिए जो है दम लगा देंगे, तो हमारी स्पैगेटी जो है रेडी हो जाएगी। इंस्टेंट स्पैगेटी जो है चिकन फजीता मैंने आज आपको बनाना सिखाई है। दो मिनट हो चुके हैं, इसका हम दम उतारते हैं। देखें जी माशाल्लाह से स्पैगेटी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, चिकन फजीता स्पैगेटी की। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।